हाय दोस्तों, बढ़िया तो हो ना सब। तो दोस्तों, आज कौतूहल के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या होगा अगर हम रैट पॉइजन खा लें, और क्या इसके खाने से हमारी जान भी जा सकती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हाँ, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करता रहता हूँ जो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। सो फ्री में सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। सो दोस्तों, रैट पॉइजन की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मेनली होते कितने टाइप्स के हैं। दोस्तों, जनरली रैट पॉइजन तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, ब्रोमेथलीन, जो एक न्यूरोटॉक्सिन है जो सीधा हमारे ब्रेन और लिवर पर असर करता है। दोस्तों, ये रैट पॉइजन काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इसके सिंगल डोज से ही चूहों के लिवर सेल्स खराब हो जाते हैं और उनके ब्रेन में फ्लूड भी जम जाता है। इसीलिए दोस्तों, इसको घर पर यूज ना करने की सलाह भी दी जाती है। नंबर टू, विटामिन बेस्ड। दोस्तों, ये रैट पॉइजन ब्रोमेथिलीन से थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, और ये एक्चुअली चूहों के सिस्टम्स को फैट सोल्यूबल विटामिन से खराब कर देता है, और ऑलमोस्ट एक दिन में इसका असर होने लगता है। नंबर थ्री, एंटीकोवैगुलेंट्स। दोस्तों, इस टाइप के रैट पॉइजन ही ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनका एक्शन और इनको यूज़ करना कम खतरनाक है। दरअसल दोस्तों, ये रैट पॉइजन खून के जमने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और थोड़े दिनों में ही चूहों की मौत भी हो जाती है। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर हम रैट पॉइजन खा लें तो, और क्या ये हमारी जान भी ले सकता है। नंबर वन, हैमरेज, यानी खून का बहना। दोस्तों, एंटीकोवैगुलेंट्स लाइक वारफेरिन खाने से हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होने लगेगी, और थोड़े टाइम के बाद हमारे नाक और मसूड़ों पर इसका असर दिखने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से शरीर में पीलापन और ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, जिसकी वजह से थकान, सांस में कमी, हार्ट बीट का बढ़ना और दिमाग में भी ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। नंबर टू, कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट्स, यानी दिल का खराब होना। दोस्तों, रैट पॉइजन में जिंक फॉस्फाइड मौजूद होने की वजह से ये हमारी छाती को टाइट कर सकता है, जिसकी वजह से सांस में कमी, लंग्स में फ्लूइड का जमना और हार्ट मसल्स का कमजोर होना पॉसिबल है। इसके अलावा दोस्तों, रेड पॉइजन लेने से हमारा लिवर भी फेल हो सकता है, जिसके कारण जॉन्डिस, आँखों का सफ़ेद होना, ब्रेन डैमेज और इवन कोमा भी हो सकता है। इसके साथ दोस्तों, अगर रेड पॉइजन में स्ट्राइक नाइन है तो 15 से 20 मिनट में हमारा शरीर भी अकड़ सकता है। सो दोस्तों, इन रेड पॉइजन का असर हर इंसान पर अलग अलग हो सकता है, एंड इनका मैक्सिमम डोज हमारी जान आराम से ले सकता है, पर अगर टाइम रहते आप मेडिकल हेल्प लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप बच जाएं। पर दोस्तों, इनके लक्षण फिर भी हैं बड़े खतरनाक। ऑल राइट दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो यार, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूं। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। Till then, take care.